बिस्मिल्ल रही असल स्टूडेंट उम्मीद है खैरियत से होंगे तो आज की वीडियो हम थोड़ा इसके ऊपर बना रहे हैं जो अंडरटेकिंग आई कैप की तरफ से अपलोड की हुई है आपके उसके ऊपर ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कि इसका क्या मकसद है इसका क्या यूज है और इसको कैसे करना है तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो जो है वो फिर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी हमारी ऑफ कोर्स छोटी सी वीडियो एक दो मिनट की बना तो सकता हूँ मैं लेकिन आपको समझाना ज्यादा मकसूद होता है तो लिहाजा अच्छे तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे ठीक है एंड तक देखिएगा चलें जी तो अंडरटेकिंग आई हुई है अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि तमाम स्टूडेंट्स पाँच फ़रवरी तक फाइव फेब तक मतलब आपका जो ऑनलाइन पोर्टल है आई कैप की वेबसाइट पे आप जब उस पर लॉग करेंगे तो वहाँ पे ये दूसरी जो टैब है ये मौजूद है वो कहते हैं पाँच फ़रवरी तक इसको मस्ट सबमिट कराएंगे अब सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा इसे देखना चाहिए इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि ये क्या वो कहता है इन केस के अगर कोई स्टूडेंट जो है देखिए जब आपने आई कैप फॉर्म सबमिट किए थे आई कैप को तो वहां पे आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था कि आप ऑनलाइन की तरफ जा सकें ठीक मतलब वहां पे आपके पास क्या ऑप्शन था कि आप जो है सिर्फ सेंटर सिलेक्ट कर सकते थे तो स्टूडेंट काफी मैसेज कर रहे थे सर हमने फीस भी जमा करा दी है

ओके okay. तो भैया अब क्वेश्चन ये है कि पहले नंबर पे अगर आप इसको पांच फेब तक सबमिट नहीं करते तो उसका क्या होगा तो बेटा देखो आपको पहले नंबर पे फिजिकल के लिए आप एलिजिबल होंगे ठीक है और दूसरे नंबर पे अगर फिजिकल एग्जाम आई कैप नहीं कंडक्ट करता पाकिस्तान कंडक्ट नहीं करना देता तो आप ऑटोमेटिक ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे ठीक है आपके पास फी कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन नहीं होगा फी कैरी फॉरवर्ड आप नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकते तो पहली चीज वो स्टूडेंट जो फिजिकल से ऑनलाइन में जाना चाहते हैं तो उनको ये अंडरटेकिंग पांच फरवरी तक मस्ट सबमिट करनी है ठीक है मतलब कि अगर दोनों तरह से एग्जाम होते हैं फिजिकल भी होता है ऑनलाइन भी होता है लिहाजा वो स्टूडेंट जिन्होंने सेंटर सिलेक्ट किया हुआ है सिंपल फॉर्म जमा कराया हुआ है ये पांच फरवरी तक ये अंडरटेकिंग सबमिट नहीं कराते तो वो फिजिकल अगर हुए तो फिजिकल तो वो दे सकते हैं एग्जाम ठीक हो गया लेकिन अगर फिजिकल ना हुए ऑनलाइन हुए तो जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन हर स्टूडेंट के पास दो हैं या तो वो ऑनलाइन पे खुद को कन्वर्ट करा ले या अपनी फी कैरी फॉरवर्ड करा दे

आपने यहां पे रीड मोर पे क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाती है हमारी देखते हैं इसके अंदर क्या है इसके अंदर एक अंडरटेकिंग मौजूद है अब यहां पे ऊपर आपका नाम वगैरह लिखा हुआ आ रहा है सारा कुछ है कि भाई मैं यहां पे अंडरटेकिंग करता हूं आपने इनमें से किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है सेंटर बेस्ड एग्जामिनेशन या रिमोट प्रॉक्टोरिंग एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन मेथड है इसमें से आप कहीं पे भी शिफ्ट हो सकते हैं ठीक हो गया अब यहाँ पे हर किसी के आगे सब ऑप्शन मौजूद है पहले नंबर पे हम देखते हैं कि अगर आप सेंटर बेस्ड सिलेक्ट करते हैं तो अच्छा अब यहाँ पे एक और चीज भी मौजूद है कि हर उसके लिए पेपर के लिए डिफरेंट ऑप्शन मौजूद है मतलब ये आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप तीन पेपर दे रहे हैं तो तीनों ही आप सेंटर बेस दें हो सकता है आप एक सेंटर बेस दे दें दे, एक ऑनलाइन दे दें या दो सेंटर बेस दे दें एक ऑनलाइन दे दें किसी भी तरीके से आप जा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट है इसके दो पेपर में अपेयर हो रहा है ये एक सेंटर बेस देना चाहता है एक

अगर आप ऑनलाइन में नहीं जाना चाहते हैं क्लिक करके सबमिट कर देना है ठीक हो गया तो ये तो है सेंटर बेस्ड एग्जाम का एक जो हम कह सकते हैं इवेल्युएशन किया है, हमने उसकी क्या करना है उसके ऊपर लेकिन अगर आप सेंटर बेस्ड की जगह पे रिमोट प्रोटोरिंग में जाना चाहते हैं तो वहां पे फिर कुछ मजीद आपको अंडरटेक करना पड़ना है इंस्ट्रक्शंस देनी पड़नी हैं अब यहाँ पे क्या है वो कहता है कि भाई देखो अंडरटेकिंग के अंदर आप और मजीद कुछ कंफर्म कर रहे हो वो कह रहे हो कि भाई मैं आई कैप को अलाउ करता हूँ कि वो क्या कहते हैं टू आई कैप टू अलाउ आई कैप एंड इट्स अपॉइंटेड सर्विसेज जो आपके इन्वेजिलेटर वगैरह होंगे जो ऑनलाइन कर रहे होंगे आप उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो आपसे कोई वेरिफिकेशन मांग सकते हैं आपसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी आइडेंटिटी कंफर्म कर सकते हैं उसके बाद आपकी फोटो ली जा सकती है उसके बाद रिकॉर्ड आपकी वीडियो और साउंड दोनों रिकॉर्ड किए जा सकते हैं एग्जाम सेशन के दौरान बल्कि वो करेंगे और वो आपका रिकॉर्ड जो है वो मैंटेन कर रहे हैं तो पहले पॉइंट पर आप उनको ज्यादा दे रहे हैं कि वो आपसे किसी किस्म का क्वेश्चन कर सकते हैं आपकी आइडेंटिटी को कन्फर्म करने के लिए उसके बाद आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके फोटो को कैप्चर कर सकते हैं और ये डेटा

इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आप खुद एग्जाम में प्रे, प्रेजेंट थे इस चीज़ को इस वीडियो को यूज कर सकता है तीसरे नंबर पे वो कहता है कि भाई दैट द रिमोट प्रोक्टर विल हैव सेम पावर्स एंड अथॉरिटीज तीसरे पॉइंट में आप कह रहे हैं कि इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि मैं जो आपका ऑनलाइन इन्वेजिलेटर होगा उसकी सेम पावर होंगी जिस तरह के आप फिजिकल एग्जाम पे जाते हैं तो वहां पे आपके सर के ऊपर खड़े हुए शख्स की होती है मतलब वो आपके ऊपर मुख्तलिफ एक्शन ले सकता है आपको रोक सकता है आपके एग्जाम को ओवरसी कर सकता है वगैरह वगैरह आपका एग्जाम टर्मिनेट कर सकता है जहाँ पे नॉन कम्प्लाइंस देखेगा और किसी भी किस्म की वो डायरेक्शन आपको दे सकता है चौथे पॉइंट पे आप कहते हैं कि इस चीज़ को आप अंडर कह रहे हैं कि भाई मेरी रिस्पांसिबिलिटी है कि मेरे पास रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है अभी से क्या मुराद कुछ रिक्वायरमेंट है हम इसके ऊपर एक और इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे तो उन्होंने थर्टीन अगस्त को इशू की थी वो वाली रिक्वायरमेंट इसके अंदर मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है कि भाई आपका सिस्टम क्या होना चाहिए आपके पास कौन कौन से कंप्यूटर होने चाहिए आपके पास यू पी एस वगैरह की रिक्वायरमेंट मोबाइल की रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन वगैरह की तो वो भाई वो आप यहाँ पे अंडरटेक कर रहे हैं कि मेरे पास मौजूद है उसके बाद पाँचवें पॉइंट में आप कह रहे हैं कि इन केस के अगर मेरे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है तो मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकूँगा मतलब मुझे अगर आई कैप नहीं अलाउ करेगा तो मैं एग्ज़ाम देने के काबिल नहीं रहूंगा और उसके बाद

कि अगर कहीं पे भी कहीं पे भी किसी किस्म का डिसएग्रीमेंट आ जाता है मतलब इनमें से किसी चीज मेरी कोई परवाइड नहीं करना था या कहीं पे मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ एग्जाम्पल तो, के तौर पे आप आई कैप के इन्वेजिलेटर को अलाउ नहीं करते कि वो आपकी वीडियो बनाए आप वेब कैप ओपन नहीं करते आप उसको क्वेश्चन का आंसर नहीं देते तो कहीं पर भी डिसएग्रीमेंट होगा तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं जो है वो स्प्रिंग ट्वेंटी एग्जामिनेशन जो है उसके अंदर पेपर को देने के लिए एलिजिबल नहीं रहूंगा मतलब आपका पेपर खत्म किया जा सकता है टर्मिनेट किया जा सकता है तो ये सारी आप एक बार पढ़ लीजिएगा और उसके बाद एग्री पे क्लिक करके आपने सबमिट कर देना है तो लिहाजा ये एक अंडरटेकिंग है हमने इसका डीप एनालिसिस किया कि भाई तमाम स्टूडेंट तमाम स्टूडेंट इसको पांच फेबरी तक सबमिट करें और अगर जो स्टूडेंट सबमिट नहीं करेंगे तो उनके पास दो ऑप्शन होंगे या तो वो सेंटर बेस्ड एग्जाम हुए तो वो सेंटर बेस्ट देंगे अगर सेंटर बेस्ड नहीं होते तो वो सारे ऑनलाइन पे शिफ्ट हो जाएंगे जिन्होंने नहीं सबमिट की होगी और उनकी फी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी नेक्स्ट अटेम्प्ट में हाँ अगर आप चाहते हैं कि आप कैरी फॉरवर्ड कराएं या सेंटर बेस्ड एग्जाम तो आपको आके यहाँ पे ये करना होगा इन दोनों को सेंटर बेस्ट पे क्लिक करना होगा जितने भी आपके पेपर होंगे हर एक को क्लिक करना होगा और उसके बाद आपने यहाँ पे बताना होगा कि अगर सेंटर बेस्ड एग्जाम ना हुए तो यहाँ पे आई विल कैरी फॉरवर्ड माय फीस टू द नेक्स्ट सेशन तो यहाँ पे आप कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर देंगे उसके बाद अगर आप सेंटर बेस्ड नहीं देना चाहते तो आप रिमोट प्रोकार्टिंग में दे सकते हैं और इस तरह आप इन सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं ठीक हो गया बेटा तो ये आज की वीडियो है इसमें अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पूछ सकते हैं इन तो अल्लाह मेहनत कीजिए बेटा आपके सर पे आ गए एग्जाम अल्लाह ताला आपको अपनी में रखे अल्लाह हाफिज